दोस्तों, अगर आपके आईफोन में भी टाइप करने के दौरान कुछ इस तरह से साउंड आता है और ये आपको काफी इरिटेट करता है और आप चाहते हैं इसे बंद करना, तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हे गाइस, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं अभिटेकी। और आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने कीबोर्ड की साउंड को आईफोन में डिसेबल कर सकते हैं या फिर ऑफ कर सकते हैं। आईफोन में कीबोर्ड की साउंड को डिसेबल करने के लिए मैं आपको आज मल्टीपल मेथड्स बताऊंगा, लेकिन जो सबसे आसान तरीका है उसे जानने के लिए आप वीडियो में जरूर बने रहिए। तो जो पहला तरीका है उसके लिए हम सेटिंग्स में जाएंगे और सेटिंग्स में जाने के बाद हमें स्क्रॉल करना है साउंड्स एंड हैप्टिक्स तक, और उसके बाद हमें स्क्रॉल करके नीचे सिस्टम साउंड्स एंड हैप्टिक्स में चले आना है। यहाँ कीबोर्ड फीडबैक में आपको जाने के बाद ये दो ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, साउंड और हैप्टिक का। तो यहाँ से आपको साउंड को डिसेबल कर देना है। अब अगर आप अपने आईफोन में कुछ भी यहाँ पर टाइप करेंगे तो आपको कोई भी आवाज सुनने को नहीं मिलेगा, कोई भी साउंड कीबोर्ड से आपकी नहीं आएगी। तो कुछ इस तरह से इस सेटिंग को फॉलो करके आप अपने आईफोन में कीबोर्ड की साउंड को आसानी से डिसेबल कर सकते हैं या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। वहीं जो दूसरा तरीका है, जो कि सबसे आसान तरीका है अपने आईफोन में कीबोर्ड की साउंड को डिसेबल करने के लिए, उसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे साउंड को इनेबल करके उसके बाद दिखाता हूँ। तो अभी मैं टाइप करूंगा तो यहाँ पे कुछ आवाज सुनने का आपको मिलेगा, लेकिन अब मैं क्या करूंगा कि अपने आईफोन को रिंगर मोड से साइलेंट मोड में डालूंगा। उसके लिए यहाँ पे जो रिंगर स्विच है उसे मैं नीचे की ओर लेकर चला जाऊंगा। आप देख सकते हैं कि मेरे आईफोन में यहाँ पे अब मुझे साइलेंट शो होना शुरू हो गया। तो मेरा जो आईफोन है अब वो साइलेंट मोड में जा चुका है। तो अब मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप करूं, मुझे कोई भी कीबोर्ड से साउंड सुनने को नहीं मिलेगा। जबकि अगर आप ध्यान दें तो यहाँ कीबोर्ड फीडबैक में ये जो साउंड है वो मेरा अभी इनेबल है, फिर भी मुझे कोई साउंड सुनने को नहीं मिल रहा है। साथ ही अगर आप डायल पैड में जाते हैं और डायल पैड में जाने के बाद कुछ भी टाइप करते हैं, कोई भी नंबर डायल करते हैं, तो आपको यहाँ पर आवाज सुनने को मिलेगा। अगर आप चाहते हैं इसे भी बंद करना, तो उसके लिए आपको अपने फोन को सिर्फ साइलेंट मोड में डाल देना है। अब यहाँ पे आप कोई भी नंबर डायल करेंगे आपको वो आवाज सुनने को नहीं मिलेगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह से इन सेटिंग्स को फॉलो करके आप अपने आईफोन में कीबोर्ड की साउंड को डिसेबल या फिर टर्न ऑफ कर सकते हैं। वैसे अगर आप अपने आईफोन में हिंदी में टाइप करना जानना चाहते हैं तो यहां पर क्लिक करके इस फुल ट्यूटोरियल को जरूर देख लें।